दोस्तों आज हम बरसी मनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे किस चीज की बरसी। दोस्तों एक दुखद घटना हमारे पासी समाज के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की ये घटना है और बिहार में ताड़ी पर प्रतिबंध लगाए आप अच्छे जानते हैं नीतीश कुमार सरकार ने एक वर्ष पहले यानी इसी नवंबर माह में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था पासी समाज की ओर से बिहार में, जिसके रहते नीतीश कुमार सरकार ने पासी समाज को एक आश्वासन दिया था कि वो ताड़ी के व्यवसाय को छोड़ करके कुछ दूसरा व्यवसाय करें, इसके लिए आर्थिक रूप से उन्हें 1,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे कुछ अन्य व्यवसाय करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए। मगर दोस्तों 1,00,000 तो छोड़िए, आज तक 1 पैसा भी नहीं मिला और पासी समाज इसका विरोध करता चला आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार सरकार ने अब तक किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है कि वो पासी समाज के हित में कुछ ऐसा कार्य करे। यदि ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है तो उसके एवज में कुछ ऐसी सहायता प्रदान करे पासी समाज को कि वो अपना जीवन यापन कर सके, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है। 1 वर्ष हो गए हैं, इसलिए इसे मैं आज बरसी के रूप में मनाना चाह रहा हूं। दोस्तों मैं हूं दिलीप बावरिया, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल। मेरे चैनल से जुड़े हुए नए बंधु बांधवों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अपना संगठन बड़ा होता चला जाए और हमारी आवाज पूरे भारत देश में पहुंचे, शासन के कानों में पहुंचे, प्रशासन के कानों में पहुंचे, ताकि हम हमारे जो पासी समाज की स्थिति है उसे सुधार सकें। दोस्तों मेरे चैनल को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं न्यूज़ 18 का, जो कि पासी समाज ने जो आंदोलन किया था बिहार में, यानी बिहार के बहुत से ऐसे जिले और बहुत से क्षेत्र हैं जैसे पटना, गया, कटिहार, यहाँ पर पासी समाज की बहुतायत है और उनका इकलौता एक ही रास्ता है उनके पास जीवन यापन करने का, अपनी जिंदगी को चलाने का, और वो है ताड़ी। वो ताड़ के पेड़ में चढ़ करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस धंधे को करते थे कहना चाहिए। अब तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब वो बेरोजगार हो गए हैं और उन पर क्या बीत रही है किसी को इसकी चिंता नहीं है। दोस्तों आइए देखते हैं ये वीडियो, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से ही ताड़ी पर प्रतिबंध हटाए जाने की मांग होती रही है। ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने की मांग करने वालों का तर्क है कि ताड़ी उतारना पासी समाज का पुश्तैनी पेशा है और ऐसे में इस पर प्रतिबंध उनकी आर्थिक कमर तोड़ कर रख दी है। ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने के लिए पासी समाज के लोगों ने पिछले महीने पटना में प्रदर्शन किया था। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी उनकी मांगों के समर्थन में खड़े हैं। उनके मुताबिक ताड़ी एक नेचुरल जूस है। ताली एक नेचुरल जूस है। बिहार में ताड़ी पर संग्राम छिड़ा है। 29 नवंबर को ताड़ी के मुद्दे पर पटना का गांधी मैदान इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। पासी समाज के लोगों ने ताड़ी को शराबबंदी से मुक्त करने की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया, खूब बवाल काटा। पासी समाज के लोग बस एक ही मांग कर रहे हैं, ताड़ी तो पीने दो, यानी ताड़ी को शराबबंदी से मुक्त कर दो। पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन में लाठी चार्ज भी किया, लेकिन पासी समाज के लोग अपनी मांग से टस से मस नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और हम नेता जीतन राम मांझी भी पासी समाज की मांगों के समर्थन में खड़े हैं। हमारा व्यक्तिगत विचार है कि ताड़ी बंद करने का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। ताड़ी एक नेचुरल जूस है। जीतन राम मांझी का कहना है कि ताड़ी एक नेचुरल जूस है, ऐसे में इस पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं। मांझी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक बार फिर कहा कि जिस तरह बिहार में ताड़ी पर प्रतिबंध है वो उन्हें उचित नहीं लगता। उनका मानना है कि ताड़ी बेचने का व्यवसाय सिर्फ पासी समाज के लोग ही नहीं बल्कि कई गरीब करते हैं, ऐसे में ताड़ी पर प्रतिबंध से उनका जीवन मुश्किल हो गया है। इसको शराब के कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहिए और इसमें लाखों लाख लोगों का व्यापार
रोजगारी छिपा हुआ है, न सिर्फ पारसी का, पारसी के अलावे भी गरीब तबके के लोग होते हैं, वो ताड़ी के पेशा में मजदूर का काम करते हैं और इससे बहुत कोई लाइन ऑर्डर ख़राब होता है, इससे बहुत कोई और तरह का अनाचार होता है। ऐसा नहीं है कि मांझी ने पहली बार ऐसा कोई बयान दिया है, इससे पहले कई बार वो शराब और खासकर ताड़ी की वकालत करते रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार के सहयोगी जीतन राम मांझी ही नहीं बल्कि उनके विरोधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी ताड़ी पर प्रतिबंध को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। आरसीपी सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद के कारण राज्य को भारी नुकसान हो रहा है। देखिए, बिना मतलब का मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तत्काल उसको समाप्त कर देना चाहिए। और त्वार छोड़ दीजिए जी, ताड़ी पर दिन भर कार्रवाई, जो ताड़ी बेचता है उनको पता है ना, उनको तो गांव में कभी रहे नहीं, हम तो गांव में रहते हैं, चारों तरफ देखिए कितना ताड़ का पेड़ है, सब दिन लोग ताड़ी पीते रहे, हमारे गांव में बहुत चौधरी समाज के लोग हैं, तो क्या करता है, कहां से उसका रोजी रोटी चलेगा। आप कहते हैं नीरा, तो उनको पता है ना जी कि ताड़ियाँ, ताड़ी तीन टाइम निकलता है, तो तीनों टाइम का ताड़ी एक बार में कैसे निकल जाएगा, क्यों उनको समझा दिया है, तत्काल ही सब बंद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। लिहाजा राज्य हित में नीतीश कुमार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने सीएम नीतीश को नसीहत भी दी कि शराबबंदी पर ज्यादा फोकस नहीं करके उन्हें विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। ताड़ी तो पीने दो की मांग पर विपक्षी बीजेपी और सत्ताधारी पार्टियों के भी अपने तर्क हैं। पासी समाज बिहार में आज बेरोजगार हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीरा व्यवसाय के लिए कहा था, लेकिन नीरा का व्यवसाय बिहार में पूरा फेल हो चुका है और ताड़ी बंदी से पूरा पासी समाज बेरोजगार हो गया है, कहीं भी उनको खाने पीने के नाले पड़ चुके हैं। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री कोई रोजगार का साधन मुहैया नहीं कराए। आज भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार मांग करती है कि पासी समाज के रोजगार की व्यवस्था करे और सरकार जो है, जो ताड़ी व्यवसायियों को आज बेरोजगार किया है, उस पर एक बार जो है पुनः विचार करे और ताड़ी व्यवसायियों को उसके रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराए। किसी भी तरह का नशा समाज के लिए और व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। नीतीश कुमार जी हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं और गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलकर शराबबंदी को लागू किया, अन्य चीजों पर प्रतिबंध भी लगाया। कुछ लोग आजकल इसकी वकालत कर रहे हैं, अपने बयानों से अपनी महिला विरोधी, समाज विरोधी सोच को दर्शा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि नीतीश कुमार जी का विरोध करते करते वो लोग समाज के विरोधी हो गए हैं और अपने विचारों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, अन्य चीजों पर भी प्रतिबंध है, यही समाज के हित में है और नीतीश कुमार जी ने एकदम सही फैसला लिया। पटना के प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बाद पासी समाज के लोगों ने कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में भी 2 दिसंबर को जमकर बवाल काटा था। ताड़ी की वकालत करने वाले लोगों का तर्क है कि ताड़ी उतारना पासी समाज का पुश्तैनी पेशा है, ऐसे में अगर इस पर प्रतिबंध जारी रहा तो उनका पेट पालना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में पासी समाज ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। आखिर पासी समाज को दिक्कत क्या है? क्या पासी समाज सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है? क्या वाकई ताड़ीबंदी ने पासी समाज के पेट पर लात मार दी है? आखिर पासी समाज के पुश्तैनी पेशे पर ताला लग जाने से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? सुबह होते ही इस गांव में होती है जल्दबाजी। जल्दबाजी ताड़ के पेड़ पर पहुंचने की, एक हाथ में लवनी और दूसरे हाथ में रबड़ का रिंग, जिसके सहारे पेड़ पर चढ़ना आसान होता है। फिर शुरू होती है तैयारी करीब 60 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की। बड़ा जोखिम का काम है, लेकिन इसके साथ ही होती है चुनौती भी। चुनौती सूर्योदय की पहली रोशनी ताड़ के पेड़ पर लटक रहे लवनी तक ना पहुंचे। अगर सूरज की रोशनी और इस लवनी का संपर्क हो गया तो जेल की सजा हो सकती है, इसलिए ये लोग जल्दबाजी में लवनी को पेड़ से जमीन पर उतार लेते हैं।
जल्दबाजी इसलिए होती है क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर रखी है। इसके तहत ताड़ी पर भी प्रतिबंध है। शराबबंदी के नियमों के मुताबिक सूरज की रोशनी लगने से पहले इस जूस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूरज की रोशनी लगने के बाद अगर इसे बेचा गया तो बेचने वाले को जेल हो सकती है। ताड़ के पेड़ से निकलने वाला जूस वैसे तो होता है नेचुरल और सेहत के लिए फायदेमंद, जिसे नीरा कहते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें सूरज की रोशनी लगती है ये ताड़ी बन जाता है और पुश्तैनी व्यवसाय होने के बावजूद यही ताड़ी पासी समाज के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। इसे लेकर पासी समाज के लोग सरकार से आर पार के मूड में। सवाल है कि आखिर पासी समाज को क्या दिक्कतें हैं। पूरे बिहार में इस तरीके से ताड़ के पेड़ पर या खजूर के पेड़ पर आपको पासी समुदाय के लोग ताड़ी उतारते नजर आ जाएंगे, लेकिन शराबबंदी कानून के बाद ताड़ी उतारना और बेचना ये इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ताड़ी आप नहीं बेच सकते हैं, और ताड़ी यदि आपको बेचना है तो नीरा के रूप में उसे बेचा जा सकता है। अनिल चौधरी ताड़ी के सहारे अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन शराबबंदी में ताड़ी को शामिल करने के बाद उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है। अनिल चौधरी अकेले नहीं है, सोनी चौधरी की भी यही हालत है। कि प्रशासन तंग करता है, भूखमरी छाता है, आओ क्या असर पड़ेगा, गरीब आदमी मर रहा है, नीरा के व्यवस्था नहीं है तो क्या करेगा आदमी, व्यवस्था रहेगा तब ना, व्यवस्था कुछ है ही ना, कोई आदमी एवे नहीं करता है, खाली रोक लगाने से रुक जाएगा। तन तो हमको बहुत बार परेशान कर चुका है, लेकिन क्या करें, भूखमरी बहुत दिक्कत है, मजबूरी में हम लोग ये काम कर रहे हैं। ताड़ी पर सरकार के रवैये से सोनी चौधरी और उनके बच्चों को मुश्किल में डाल दिया है। उन्हीं के जैसे पूजा चौधरी भी अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहती है, लेकिन ताड़ी बंदी ने घर की माली हालत खराब कर दी और बच्चे सरकारी स्कूल में पहुंच गए। ताड़ी चालू करवा दिए, दो बच्चा के कैसे पालेंगे, दो गो लाइकन है छोटा छोटा, तीन गो बच्चे, उसको शादी ब्याह कैसे करेंगे, जब ताड़ी बंद हो जाएगा तब। इसे चलते है कि दारू चालू करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए, लेकिन ताड़ी चालू करवाइए। ताड़ी बंदी को सही बताते हुए सरकार पासी समाज के लोगों को दूसरा धंधा करने के लिए 1-1 लाख रुपए देने की बात कह रही है। सरकार के अपने तर्क हैं और ताड़ी के सहारे परिवार का पेट पालने वाले लोगों के अपने तर्क। ऐसे में न्यूज 18 जानने की कोशिश कर रहा है कि जब सरकार 1 लाख रुपए दे रही है तो आखिर पासी समाज के लोगों को दिक्कत क्या है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पासी समाज आखिर सड़कों पर क्यों उतर आया, क्या सरकार की नीरा योजना से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, या फिर नीतीश सरकार की योजना उनके लिए सफेद हाथी ही साबित हो रही है। आखिर क्या कारण है कि पासी समाज से जुड़े लोग पुलिस की लाठियों के डर के बावजूद बेखौफ होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज 18 ने बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर पासी समाज की मुश्किलों को समझने की कोशिश की। बिहार में ताड़ी पर बवाल मचा है। ताड़ी का कारोबार करने वाले सड़कों पर उतरकर आर बार के मूड में हैं और सियासत के सूरमा सीएम नीतीश कुमार पर बयानों के तीर चला रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 जानने निकला है कि ताड़ी पर प्रतिबंध लगने के बाद आखिर पासी समाज की परेशानियां क्या हैं? इस उम्र में आखिर अब कौन सा कारोबार अपनाएं? जिंदगी तो गुजर गई ताड़ छेने और ताड़ी बेचने में, इसी से अब तक परिवार का गुजारा होता था, बच्चों का पेट पलता था, अब आखिर करें तो क्या करें? इन सवालों के जवाब तलाशते तलाशते जहानाबाद के पश्चिमी हिस्से में ताड़ी कारोबारियों की आंखों में आंसू छलक आते हैं। लुका छिपा के हमारे गोद 100-200 फीट दूरी होकर। अच्छा, तो पुलिस उलिस तंग भी करती है, थाना भी, तो घर कैसे चलता है? घर वही लुका छिपा के बेच के। बंद होने के बाद क्या दिक्कत है? दिक्कत है तो के लुका छिपा के बेचते हैं। अच्छा, घर परिवार चलाने में क्या दिक्कत आता है? घर चलाने के लिए तो यह है कि फ्री मड़ाई है या कुछ है। भोजन वगैरह का व्यवस्था? भोजन व्यवस्था कमाते खाते हैं आप। ताड़ी पर प्रतिबंध के बाद गांवों में यही तस्वीर नजर आ रही है। जहानाबाद और पटना के बॉर्डर के इलाके में जामुक पंचायत के औदनचक गाँव में पीने वाले से ज्यादा परेशान बेचने वाले हैं।
बिहार में शराबबंदी के बाद ताड़ी बेचने पर प्रतिबंध से ताड़ी के कारोबारियों के सामने आजीविका का संकट है। आखिर कैसे होगा गुजारा? न्यूज 18 की टीम ने जानने की कोशिश की कि क्या इन लोगों को सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी है या क्या उन्हें इसका लाभ मिला है, लेकिन हमारी कोशिश नाकाम रही। योजना के बारे में जानते हैं? जानकारी तो है कि मैंने नीरा बनता है, जानकारी ना है कि कैसे बनता है। अच्छा, कोई उसको लेकर सहयोग वगैरह सरकार के तरफ से नीरा बनाने के लिए? कुछ नहीं। अच्छा, तो ताड़ी बंद होने के बाद क्या कर रहे हैं? तो हल्का फल्का छेपते हैं, उन्होंने बाद में लुकाओ छिपाओ। अच्छा, तो घर परिवार कैसे चलता है? वही घींची तेल, कभी मार भात कभी साग भात। कामों तो नहीं मरते, कुछ घूम रहा, कुछ कुछ तो उपाय ना है। तो कैसे चला रहे हैं? घास भूसा तो हमने घर से बाका बाकी हम चरा रहे, कुछ करना टैया बटैया ले। सरकार ने ताड़ी पर बैन लगा दिया। घोषणा ये की गई कि जो लोग ताड़ी का काम करते हैं, ताड़ी उतारने वाला जो समाज है, उनको नीरा उत्पादन के क्षेत्र में लगाया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि जहानाबाद के पश्चिमी इलाके में इस समाज को ये पता भी नहीं है कि नीरा उत्पादन क्या होता है, और न तो सरकार के तरफ से इन्हें कोई सहायता दी गई है। ताड़ी पर बैन होने के बाद परिवार चलाना इनके लिए मुश्किल काम साबित हो रहा है। ये है गया शहर से सटे एक गांव की तस्वीर। यहां रहने वाले पासी समाज के लोग भी ताड़ी पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले से परेशान हैं। इनका सवाल है कि ताड़ी भला दारू कैसे हो सकती है? ये तो कई बीमारियों का इलाज करती है। सरकार ने भी ताड़ी को नीरा बनाकर बेचने की योजना धरातल पर लाई थी, लेकिन अब वो योजना भी लगभग विफल नजर आती है। यहाँ के ताड़ी बेचने वालों का कहना है कि नीरा कोई पीता ही नहीं है, नीरा से गुड़ बनाने की योजना भी विफल है, इस कारण कोई नीरा बनाता ही नहीं। गया जिले में काफी बड़ी संख्या में जो है पासी समाज के लोग रहते हैं, और उनका जो आय है वो सिर्फ ताड़ी बेच करके वो अपने घर और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अभी हम मौजूद हूँ गया के चेरकी बाजार में, और आप देख सकते हैं कि गया से चेरकी आने के क्रम में हजारों लाखों जो ताड़ के पेड़ है, तो यहाँ के जो लोग हैं ताड़ी समाज के, जो पासी समाज के जो लोग हैं, वो ताड़ी निकालते हैं और बेचते हैं। ताड़ी को शराब बनाते हैं ना, वो गलत है। अच्छा। और ताड़ी जो है प्राकृतिक देन है, ये शुरुआत सदियों से चलता हुआ आ रहा है। अच्छा। और ये हमारा जो भी पूर्वक थे वो भी सब यही कारोबार करते थे, ताड़ी का उतारना बेचना, और इसी से पूरा परिवार को राशन ये सब चलता है जी। इसको शराब बना दिया गया, उससे शराब कैसे बनेगा? ये ताड़ी होता है, फायदेमंद भी होता है ना ताड़ी? यहाँ ताड़ी बहुत फायदेमंद है, गैस के मामले में भी अच्छा होता है, जॉन्डिस होता है उसमें ही काम आता है। कटिहार में पासी समाज के साथ साथ अन्य जातियों के लोग भी बड़ी संख्या में शराबबंदी से पहले ताड़ी के कारोबार से जुड़े हुए थे। शहर का छीटाबाड़ी इलाका कभी ताड़ी के हब के रूप में जाना जाता था। शराबबंदी के बाद सरकार ने इस कारोबार से जुड़े लोगों को नीरा के माध्यम से रोजगार सृजन का आश्वासन दिया था, लेकिन अब यहाँ के लोगों के सामने रोजगार का ही संकट है। कटिहार के छीटाबाड़ी का यह इलाका एक दौर था जब ताड़ी के लिए जाना जाता था। आज भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े इस तरह का पेड़ है, और ये पूरा जो इलाका है ये ताड़ी के व्यापार पर आश्रित था, लेकिन सरकार के शराबबंदी के फैसले के बाद यहाँ बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि सरकार इन लोगों को कहा था कि नीरा के सहारे रोजगार सृजन किया जाएगा, लेकिन कई संकट है। आइए लोगों से बात करते थे जो पहले इस काम से जुड़े हुए थे। पहले आप लोग किस काम से जुड़े हुए? सर पहले हम ताड़ी जुड़े हुए थे, ताड़ी उतार के बाल बच्चा के लिए सेवन करते थे, उसके बाद में हाँ बेचते थे, ताड़ी उतार कर बेच बिक्री करके सर बाल बच्चा के परवस्ती देते थे। उसमें सरकार ने हमको रोक लगा दी है, सरकार रोक लगा दी है कि नहीं ताड़ी नहीं बेचो, नीरा बेचो। तो उस पर भी हम लोग तैयार हुए कि ठीक है, सरकार की तरफ से नीरा का आदेश मिला तो बड़ा खुशी मन हुआ कि सरकार नीरा के कंपनी बैठाएंगे, हम लोग उतार के सरकार के पास हवाले करेंगे, हमको सरकार नीरा बना के देंगे। वो भी सर कंपनी नहीं बैठ पाया। उसके बाद में प्रशासन तरफ एक्साइज की तरफ से बोले कि नीरा बेचो, तो 2 घंटा का आदेश दिए। तो 2 घंटा में सर 2-4 गिलास 5 गिलास बिकता था, नहीं बिकता था तो उतार कर ही ज़मीन में फेंक देते थे सर। उसका कारण से क्या हुआ कि हम लोग के पेट नहीं चलने लगा सर, तो हम लोग बाज़ार निकल गए मजदूरी करने के लिए।
मजदूरी करते हैं तो एक दिन काम मिलता है, दो दिन मिलता है सर, चार दिन है। हम यही चाहते हैं कि सरकार से कुछ हमारा लाभ मिले, नीरा कंपनी बैठावे सर, कि हम लोग के बाल बच्चा के पेटी रोके रोजगार चले। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अंतर्गत उमानाथ रोड और गुलाब बाग में पासी समाज के लोग नीरा तो बेचते हैं, पर उनका कहना है कि कोई इसे पीना नहीं चाहता, सभी लोग ताड़ी की ही मांग करते हैं। इनकी भी यही मांग है कि सरकार ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा ले और उन्हें उनके पुश्तैनी व्यवसाय को करने दे। नीरा उतारने के लिए कह रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके, कोई पीने के लिए नहीं चाहता है, सब ताड़ी खोजता है। तो नीरा क्यों नहीं पीता है? कोई नहीं पीता है, कुल ताड़ी खोजता है पीने के लिए, बाल बच्चा क्या खाएगा। उनका जो जीवन यापन है वो ताड़ी व्यवसाय से चल रहा है, ये पुश्तैनी धंधा है, और ताड़ी को बंद करने से जो है इसका गहरा प्रभाव पड़ा है सभी पर। उनका रोजी रोजगार छुला गया, सरकार ने अनाउंस किया कि 1,00,000 रुपया सभी को दिया जाए, तो 1,00,000 में कौन सा धंधा होता है? आज आप एडवांस में दुकान लेने जाएंगे तो 1,00,000 रुपया का वो डिमांड करता है। तो हमें तो लगता है या तो जो डिमांड है, सरकार जो घोषणा किया है 1,00,000 का, उसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम 5,00,000 का योजना में देना चाहिए, या तो फिर ताड़ी को शुरू किया जाए। खगड़िया में पासी समाज के लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। शहर के उत्तरी हाजीपुर मोहल्ले में रह रहे पासी समाज के लोगों ने जीवन जीने के लिए मजबूरी में कोई और व्यवसाय कर लिया है। ये लोग अलग अलग तरह के रोजगार से जुड़ गए हैं। कई लोग सड़क के किनारे दुकान लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। इनका भी कहना है कि सरकार की योजना के बावजूद कोई नीरा पीना ही नहीं चाहता। अभी हम खड़े हैं खगड़िया के उत्तरी हाजीपुर मोहल्ला में। यहाँ पे जो है सो काफ़ी संख्या में जो पासी समाज के जो लोग रहते हैं उनका ये पूरा मोहल्ला है। यहाँ पर ये लोग पहले ताड़ी बेच करके अपना भरण पोषण करते थे, लेकिन जब से ताड़ी पर रोक लग गया उसके बाद से ये लोग बेरोजगार हो गए। और ये देख सकते हैं कि जो पासी समाज के जो लोग हैं वो सड़क के किनारे मास्क बेच करके, कैलेंडर बेच करके ये पूरा अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। परेशानी क्या हो रहा है ये हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या आप लोग अभी धंधा कर रहे हैं, चीज़ें किस चीज़ का बिजनेस? देखिए सर, हम लोग तो पासी समाज से बिलोंग करते हैं, और कहा जाए तो सर हम लोग का गोड़ हाथ टूट गया, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, कर्ज ले करके सर मास्क वगैरह फोटो वगैरह का धंधा कर रहे हैं हम लोग, और किसी तरह बाल बच्चा को भरण पोषण कर रहे हैं। बैंड ताड़ी पर बैंड लगा उसके बाद नीरा का जी सर, बैंड जब से लगा है सर हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब दलदल में गिर गए हैं। नीरा के उद्योग से क्यों नहीं जुड़े सर? नीरा का खगड़िया जिला में कहीं पर सेंटर नहीं दिया गया, जिसके कारण कि ताड़ी अगर उतार करके भी हम लोग स्टॉक में कहीं भी रखते तो पकड़ा जाते सर। अगर हम लोग को सर ताड़ी का व्यवसाय दिया जाए तो जहाँ से बगीचा हम लोग लेते हैं वहाँ पर अगर ताड़ी उठा करके ले जाए, जो मतलब इसका सेंटर बनाया गया है, तो हम लोग वहाँ पर से अच्छा कमाई होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है सर, क्योंकि गाछ लगाने के लिए हम लोग जाएंगे वहाँ भी पुलिस प्रशासन तंग करेगी हम लोग को, तो एक्चुअली हम लोग कर क्या सकते हैं, डर से, प्रशासन के डर से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। नीरा का उद्योग क्यों नहीं लगा रहे हैं आप, क्यों नहीं नीरा से जुड़ रहे हैं, नीरा के व्यवसाय से? ये तो सर सरकार ने लगाएगी सर। अच्छा, हम तो उतारने वाले हैं, हम तो उतार करके देने वाले हैं, इसका व्यवस्था सरकार ने करेगी। खरीदने वाला नहीं आप? नहीं, नीरा कोई नहीं लेना चाहता है। अच्छा, जब भी खोजता है तो ताड़ी खोजता है, पका हुआ ताड़ी, तो ताड़ी बेचेंगे तो पकड़िए लगा आपको, तो हम क्या करेंगे, अब उठा मजदूरी करते हैं, वही करके अभी परिवार चला रहे हैं। उतरी है तो साथियों, देखा आपने इस वीडियो में, न्यूज 18 ने ये कवरेज की है और पासी समाज के बहुत से परिवारों से बातचीत भी की और उनका दुखड़ा सामने आया जो बहुत ही संक्षिप्त है। बेचारे कितने मजबूर हैं, निशब्द हैं, कैसे कहें, किससे कहें, जब उनकी सरकार ही उनके लिए कुछ नहीं कर रही, तो वो किससे आशा लगा सकते हैं, किससे? दोस्तों, यहां पर जरूरत है पासी समाज को एकजुट होने की, संगठन बनाने की और कुछ ना कुछ उपाय करने की, ताकि हमारे पासी समाज पर ये जो संकट छाया हुआ है इसका निदान हो सके। यहां पर मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि ऐसी घटनाओं को देखते हुए हमें स्वावलंबी बनना बहुत जरूरी है, और स्वावलंबी बनने का एकमात्र तरीका है शिक्षा। यदि हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो हमें ऐसी कठिनाइयों का सामना आने वाले समय में भी करना होगा, क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है वो हमारे लिए क्या कर रही है,
और क्या नहीं कर रही है ये आप अच्छे से देख रहे हैं। पासी समाज के लिए कुछ करना तो दूर है उसके हित में, साथ ही साथ उनकी जो रोजी रोटी है उसको भी छीन लेना, उसके पेट पे लात मार देना और कान में उंगली डालकर आंख बंद करके बैठ जाना। साथियों, अगले वीडियो में ऐसे किसी विषय को लेकर के आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।